नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एंजल वन के बारे में। देखिए, एंजल वन आप सभी जानते हैं एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, और इस कंपनी की खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी लास्ट कुछ फ्यू इयर्स में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। अभी मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सबसे पहले मैं आपको ग्रोथ दिखा दूं, तो सेल्स में जो ग्रोथ दिखने को मिला अराउंड एवरेज के हिसाब से बात करूं तो 31% के ऊपर एवरेज देखने को मिला, जो बहुत शानदार है। उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको अराउंड 27% के ऊपर देखने को मिले। तो 27% के ऊपर 117.52, मतलब एक एवरेज निकल के आ रहा है जो देखा जाए तो 40 से 50% के ऊपर एक शानदार तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखने को मिले, जिस कारण के वजह से कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिए और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है। तो कंपनी के जब इतने सारे पॉइंट्स शानदार है, उसके साथ साथ कंपनी जब क्वार्टरली जो रिजल्ट भी पब्लिश किया, इस बार हाइस्ट रिजल्ट भी है। सेल्स के मामले में कंपनी कुछ भी यहाँ पे कमियां नहीं दिखाया। सेल्स के मामले में कंपनी का देखा जाए तो ग्रोथ भी अच्छा है। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। तो नेट प्रॉफिट कम क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, जिसके चलते कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, और यही कारण के वजह से शेयर में कुछ दिनों से एक प्रेशराइज मोमेंटम देखने को मिले। अगर मैं प्रेशराइज मोमेंटम के बारे में बात करूँ, देखिए लगातार क्या हुआ, लगातार यहाँ पे अपसाइड जाने के बाद इस टॉप लेवल्स में करेक्शन हुआ। देखिए, मैं को पहले ही बोल चुका हूँ कि जब भी कोई स्टॉक लगातार वो फोमो बाइंग के हिसाब से आगे बढ़ रहा है तो उसके ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा रिस्कीजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहाँ से वो रिवर्स करेगा, कहाँ तक जाएगा, उसका कोई भी अता पता नहीं होते हैं। तो आपको हमेशा इंतजार करके काम करना पड़ेगा, आपको हमेशा स्टडी करके काम करना पड़ेगा कि एक्चुअली कंपनी के कोई पैटर्न्स बने, तब हम लोगों को डिसीजन लेना है। तो अभी देखिए, ऐसे करेक्शन हुआ, 200 डेज ईएमए के नीचे भी आ चुके हैं और लगातार गिर रहे थे, और यहाँ पे स्ट्रांगली क्या था, एक कंपनी के सपोर्ट था, और वही सपोर्ट को कंपनी क्या किया, रीटेस्ट किया। तो सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से कंपनी करेक्शन होने का और रिवर्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी मैं टॉप लेवल से इसको मार्किंग करूँ तो दो तरीके से सीनरियो बन सकते हैं। यहाँ से अगर रिवर्सल करके इस जगह तक जाए, टॉप लेवल तक जाए, तो एक कप बन सकता है। उसके बाद अगर छोटा सा कोई हैंडल पैटर्न क्रिएट कर दे तो फिर से यहाँ पे एक स्टेबल एक देखा जाए तो एंट्री लेवल बन सकता है। तो मैं इंतजार करूंगा इस लेवल तक, उससे पहले मैं एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस भी, यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस भी रहेंगे, क्योंकि जो जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो भी देखिए पहले बहुत ज्यादा हुआ था, इसलिए एक करेक्शन हुआ। उसके बाद वॉल्यूम देखिए थोड़ा सा वीक होता देखने को मिले। अभी दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर वो ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो वो नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा प्रेशराइज है। टोटल निफ्टी सेंसेक्स में लगातार एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिले हैं, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर अपसाइड और डाउनसाइड का कोई भी ट्रेंड बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ भी ट्रेंड नहीं लूंगा, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन में आपको शांति से बैठा रहना पड़ेगा। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, मार्केट आपको पैसा देंगे, आप कोई भी एंट्री लेने से पहले और कोई भी एंट्री लेने के बाद दो दो टाइम्स में अगर आप पेशेंट के साथ बने रहे, चुपचाप बैठे रहे, तो आपको जरूर अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस जगह पे देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो कंपनी इसके ऊपर एक हाई डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। तो इसका मतलब जो सपोर्ट इसको मिला है, इस सपोर्ट से रिवर्सल करने का चांसेस रहेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे इस चार्ट पैटर्न को, तो जब भी सपोर्ट को रिटेस्ट किया तो एक हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो कोई भी सपोर्ट रेंज में कोई भी हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट हो तो सोचना वहां से रिवर्सल करने का चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को ट्रीट करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है आरकॉम, जिसका नाम है रेलटेल। तो रेलटेल के बारे में चर्चा करूं तो ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, और रेलवे गवर्नमेंट का लगातार एक ग्रोथ होना, वो कोई आम ग्रोथ नहीं हुआ है, एक लंबा सा जर्नी देखने को मिला। देखिए इसका लो प्राइस कितना था, 96, और हाई कितना देख रहे हैं, 450। इसका मतलब आपका फंड करीबन 4.5 गुना कर दिए, 4.5 गुना, और वो भी कितना दिनों में, सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। तो जो जर्नी हुआ वो अलग लेवल का जर्नी हुआ,
और उस जर्नी में कंपनी की एक लगातार ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए हायर हाई वो करते चले जा रहे हैं, तो इसमें मैं आपको हमेशा कहूंगा कि जब भी इस तरीके से कुछ सिचुएशन बने तो आपको कम रिस्क लेकर काम, अगर आप काम करना चाहते हैं तो रिस्क को कम लेकर काम करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि इस सिचुएशन में दो तरीके से सिनेरियो देखने को मिल जाते हैं। इधर वो बहुत ऊपर चला जाता है, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आए तो बिग क्रैश भी हो जाते हैं। अभी देखिए इस कंपनी के जो टॉप लेवल में है, इस टॉप लेवल को वो हाई वॉल्यूम के साथ आगे तो बढ़े मगर इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए। अगर मैं इसके वॉल्यूम के बारे में चर्चा करूं तो जो वॉल्यूम है वो जो 200 डेज जो इसका एमए है उसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, तो इसका मतलब बाइंग बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसको पुश करके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो और मैं आपको जरूर कहूंगा कि यहाँ पे अगर कुछ टाइम बिताए, कुछ टाइम इस रेंज के अंदर बिताए उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक कंफर्मेशन मिल जाते हैं कि हाँ एक लेवल तक वो जा सकते हैं, एक हायर लेवल तक वो जाने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी कुछ कंपनीज इस तरीके से लगातार, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और ब्रेकआउट किए और उसके बाद टारगेट भी अचीव हुआ, और यहाँ पे फिर से कोई पैटर्न बनना चाहिए तभी आपको कंफर्मेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए कंपनी तैयारी कर रहा है। क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो डिलीवरी का परसेंटेज बहुत वीक होता जा रहा है, मतलब हाई लेवल में लोग बाई बहुत कम क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं, तो रिक्सी जोन में है, कभी ना कभी वो करेक्शन भी हो सकता है। तो जल्दबाजी करके किसी भी जगह पे एंट्री मत लीजिएगा, बाकी आप समझदार है समझदारी से काम लीजिएगा, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई कमियां देखने को नहीं मिलेगा। क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप देखेंगे, सेल्स लगातार हर क्वार्टर्स को बीट करके आगे बढ़े, एक अच्छा खासा सेल्स देखने को मिले, उस बेसिस में एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो 69 करोड़, 67 करोड़, 32 करोड़ और अभी देखिए 62 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ होना चाहिए था उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी के सेल्स का ग्रोथ हुआ उसी तरीके से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ नहीं हुआ, बीच में कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया था। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट मार्जिन में ठीक ठाक नहीं है तो शेयर लगातार भाग क्यों रहा है, क्योंकि इसको कहा जाता है फोमो बाइंग। लोगों को मन में एक ही चिंता है कि अगर मैंने इस टॉप लेवल में बाय नहीं किया तो शायद मैं इस शेयर से फायदा नहीं कमा पाऊंगा और शेयर और भी ऊपर चला जाएगा और मेरा जो एंट्री लेवल था वो नहीं बनेगा और मुझे पैसा भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, हमेशा वो हाई लेवल में बाई करते रहते हैं और इसी चीज को फोमो बाइंग कहा जाता है। तो प्लीज फोमो बाइंग मत करिए, आप एक बार सोचकर समझकर काम करिए, क्योंकि कंपनी उतना बड़ा नहीं है जितना कंपनी भाग रहे हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 14,000 करोड़ के आसपास है, तो एक छोटा सा कंपनी है, उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने के लिए टाइम भी लगने का चांसेस है, मगर कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं तो इसका मतलब कभी ना कभी वो रुकेगा। बाकी देखिए एज ए इन्वेस्टर FSDS पब्लिक के पास देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन के पास उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है, छोटा मोटा होल्डिंग्स है DIS और FIS के पास और पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिले। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी विलमार, इसके ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक रेंज बना था, रेंज किस तरीके से बना, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली एक बाइंग कैंडल बना, तो 3 बाइंग कैंडल बनने से कंपनी का टोटल जो रेंज बन गया वो 33% के आसपास है। तो 33% के आसपास जो रेंज बना तो इसके बाद आपको करना क्या है, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब इस जगह पे एंटी बनेगा और टॉप लेवल में इसका टारगेट बनेगा। तो एंटी तो यहाँ पे बन चुके थे, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके नीचे आए, ऊपर जाने का कोशिश किए तो बहुत टाइम यहाँ पे लग रहा है। अगर मैं इसी रेंज को मार्किंग करूँ, यहाँ पे अगर टॉप लेवल से यहाँ तक मार्किंग करूँ, देखिए एक स्ट्रॉन्गली यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुके हैं, उसी रेजिस्टेंस को बार बार वो फेस करके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। अगर ऊपर साइड को इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आज लॉस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ अदानी विलमार का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो फाइनली लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी को बड़ा सा लॉस देखने को मिला और इसी लॉसेस के कारण में कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिले। तो मैं जरूर कहूंगा कि कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना, जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर पाए तो इस लेवल का टारगेट अचीव वो कर सकते हैं। बाकी कब ब्रेक करेगा, इसका टारगेट कब होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली मैं एक एंट्री जरूर ले चुका हूँ और छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ एंट्री लिया, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस उतना खास नहीं दिखा, प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस में मैंने एंट्री लिया, क्योंकि जब
यहाँ पे एनटी बना था, तब सेप्टेम्बर का रिजल्ट नहीं आया था, तब मैंने एनटी ले लिया, क्योंकि सेप्टेम्बर के पहले जो रिजल्ट था तो प्रॉफिटेबल में था, तो तब मैंने एनटी ले लिया। और उसके बाद देखिए अभी दिख रहा है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में है। हाँ, अभी ये देखना बाकी है कि कंपनी क्वार्टर थ्री का रिजल्ट किस तरीके से पब्लिश करते हैं, तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर निवेश करना पड़ेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ज्यादा निवेश नहीं करके रखे हैं, क्योंकि प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर देखा जाए तो जो होल्डिंग्स है वो होल्डिंग्स ज्यादा होना चाहिए इंस्टीट्यूशन के पास, तब इस कंपनी के ऊपर एक बुल रन देखने को मिल सकता है। तो लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट है कंपनी का बोनस का, और बोनस का जो डेट है वो 30 जनवरी में एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो जब कोई कंपनी बोनस दे रहा है तो उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।